धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे देश में हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई। वो ग्राम रोजगार सहायक जो डिजिटल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे काम ग्राम पंचायत के संधारित करता है, और इनका वेतन आदि अभी मनरेगा से कुछ व्यवस्था की गई है। जो मेरी जानकारी है वो मनरेगा के राशि में से कुछ राशि आहरण करके इनको वेतन दिया जाता है, और इनके ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनकी नियुक्ति होती है और ग्राम सभा के प्रस्ताव पर अलग कर दिया जाता है। बड़ा तात्कालिक जैसा पद है। मेरा आपके माध्यम से एक आग्रह है सरकार से कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षक के वेतन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है, और उनका जो जॉब है वो बाकायदा नौकरी लगती है, वो पूरे उम्र भर वो नौकरी करेगा, फिर रिटायरमेंट होगा और उसको जो बीच की सुविधाएं आदि मिलती हैं, वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता वगैरह उसे मिलता है। इसी तरह रोजगार सहायक हमारा जो है, इसकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है, वेतन की कोई गारंटी नहीं है, कब इसको ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। तो मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ इनकी एक तो इनका जो जॉब है उसको तय करें कि ये इनका जॉब जो है ट्रांसफरेबल होगा, भले ही जनपद के अंदर हो, इनकी नौकरी रिटायरमेंट एज तक चलेगी, बगैर कोई गंभीर कारण के इनको पदमुक्त नहीं किया जाएगा, और इनको वेतन जो आज के समय के हिसाब से जो मापदंड है शिक्षक को दिया जाता है, जो रेगुलर सचिव को दिया जाता है, उस तरह से वेतन आदि की व्यवस्था भी ग्राम रोजगार सहायकों की हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आवश्यक हो तो सरकार राज्यों को एडवाइजरी अगर जारी कर सकती है, मुझे लगता है और सुविधा होगी। आप श्री खलीलुर रहमान जी,